क्या कहती है ऋषि सुनक की कुंडली? क्या बन पाएंगे ब्रिटेन के पहले भारतीय प्रधानमंत्री? अंग्रेजों के देश में क्या इतिहास रच पाएंगे ऋषि सुनक? क्या ब्रिटेन की सत्ता पर होगा एक हिंदुस्तानी का राज? भारत और ब्रिटेन के रिश्ते कैसे रहेंगे? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं हूँ आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। ब्रिटेन, जिसका नाम सुनते ही हमें भारत की गुलामी याद आती है। अब देखिए ना, ब्रिटेन ने अपने 200 सालों के राज में किसी भारतीय को अपने ऊपर से उठने नहीं दिया कि वो अंग्रेजी हुकूमत से ऊपर जाए। लेकिन समय बदला और आज हालात ऐसे हो गए हैं कि ब्रिटेन जैसे देश में वहाँ के प्रधानमंत्री पद पर अब ये अटकलें लगाई जा रही है कि भारतीय मूल का एक शख्स अब काबिज होगा। हम बात कर रहे हैं ऋषि सुनक की, जो कि इस वक्त ब्रिटेन के गृह मंत्री हैं। लेकिन वो ब्रिटेन के गृह मंत्री के साथ साथ अब प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। क्या कहता है उनका पॉलिटिकल करियर और वो दिन कब आएगा जब वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या वो समय आने वाला है? इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे चतुर्वेदी जी से। जी तो सर, सबसे पहले मैं ऋषि सुनक जी की कुंडली क्या कहती है, उनके पीछे के ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, ये जानना चाहूँ। देखिए कविता जी और दर्शकों, आप सभी को बता दें कि जो ऋषि सुनक की कुंडली हमारे पास आई है अज्ञात सोर्सों से, उसमें उनके दशम भाव में सूर्य और नवम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, जो कि उनके कर्म और भाग्य के स्थान पे दोनों ग्रह बैठे हुए। पहली चीज़ कि ऋषि सुनक बहुत ही इमोशनल इंसान है। चंद्रमा नवम में होकर उनको छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे चीज़ों से, ज़मीनी स्तर से उनको हमेशा जोड़े रखा है। यही जो काबिलियत है उनके अंदर, उनको इस शीर्ष स्थान तक विदेशों में, जहाँ पर आपने जैसे कि कहा कि हम भारतीयों को वहाँ पर अछूता समझा जाता था, हमें ऐसा, जबकि वेद शास्त्र ज्ञान मेडिसिन की नॉलेज आयुर्वेदा हम सब ने दिया है, हमारी धरा ने दिया है, हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है, हमारे ब्राह्मणों ने दिया है, योगियों ने दिया है, लेकिन हम ही को वहाँ पर अछूता समझा जाता था। एक बार फिर से ऋषि सुनक ने जो इनकी कुंडली है वह आती है बृहस्पति के आधारित, मीन राशि की कुंडली आती है और बृहस्पति इनका उच्च का होकर इनको हर क्षेत्र में, ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी इनको ज्ञान अर्जन करने के लिए प्रेरित करता है। यह बैठे बैठे कभी भी खाली समय में भी अपने आप को अध्ययनरत रखते हैं, हमेशा प्रयास करते हैं कुछ जानने का, और यही एक हैबिट इनकी, यही एक आदत इनकी, ग्रही आदत इनको ले आई। दूसरी चीज़, आपने कहा कि उन जगह पर जहाँ पर हमें एकदम से निग्लेक्ट किया जाता था, वहाँ पर कैसे ये बैठ गए शीर्ष पर जाकर, तो उसका एक जवाब है द्वितीय भाव का मंगल जी। अद्भुत पावर देता है इनके सामने बड़े से बड़े राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष, बड़े से बड़े नेता सब प्रभावित होकर इनके स्वभाव से। ठीक है, हमने नाम अब सुना है, लेकिन विश्व पटल पर इनका नाम बहुत पहले से, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इनका नाम था। और ऋषि सुनक एक ऐसे व्यक्तित्व के, ऐसी कुंडली लेकर पैदा हुए हैं कि जो कि विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीयता का नाम, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, इन सभी का नाम चरम पर पहुँचाने का काम करेंगे कविता जी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि हाल ही में उनका नाम इसलिए भी उठा क्योंकि कोविड काल में, कोविड के वक्त जब ब्रिटेन में कोविड की लहर चल रही थी, तब वहाँ के जो प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन वो पार्टी कर रहे थे, जिसके चलते वो घिरे आलोचना के शिकार हुए और विपक्ष ने उनका इस्तीफा भी मांगा। हालांकि अभी भी थोड़ी बहुत पॉलिटिकल स्थिति वहाँ पे डमाडोल है। हालांकि देखिए, इलेक्शंस वहाँ पे भी 2024 में है प्रधानमंत्री पद के लिए ब्रिटेन में, लेकिन अब आगे क्या, मैं मतलब बोरिस जॉनसन के साथ आगे कैबिनेट में है, गृह मंत्री हैं, तो पार्टी के साथ खासकर बोरिस जॉनसन की ट्यूनिंग कैसे रहने वाली है? कहते हैं कि बोरिस जॉनसन को प्रधानमंत्री बनाने के पीछे ऋषि सुनक की बड़ी मेहनत रही है। देखिए, अभी ऋषि सुनक की अगर उनके लग्न राशि और उससे देखें तो चंद्रमा की महादशा चल रही है कविता जी, और चंद्रमा की महादशा 2023 तक चलेगी। चंद्रमा जैसे ही समाप्त होगा, आपने कहा कि 2024 में इलेक्शन है जी।
चंद्रमा की महादशा समाप्त होने के बाद यह और प्रभावी होना शुरू हो जाएंगे। चंद्रमा की महादशा में और नवम भाव में चंद्रमा इनके होने की वजह से ये अभी तक हर जानकारी को, हर चीज़ को, हर कार्य को बहुत लाइटली और पोलाइटली लेकर झुक कर यह हैंडल करते हैं। यही एक कारक है कि आपने कहा कि अगर बोरिस जॉनसन को इन्होंने प्रधानमंत्री बनाने में भूमिका निभाई तो यही एक वजह थी कि यह कभी भी अपना नाम पहले पटल पर लाना नहीं चाहते हैं। यह समाज में रहकर, यह लोगों के बीच रहकर, उनके समस्याओं के बीच रहकर उनके लिए कार्य करना चाहते हैं। यही एक कारण रहा कि वहाँ धीरे धीरे भारतीयों को छोड़िए, वहाँ के लोकल्स के बीच, वहाँ ब्रिटेन के लोगों के बीच ऋषि सुनक की पॉपुलैरिटी, इनकी पहचान, इनकी योग्यता, इनका कद दिन ब दिन बढ़ता रहा, जो कि आज वहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वहाँ यह सर्वोच्च पद के लिए दावेदारी एक पूर्ण रूप से इन्होंने रख दिया है। कविता जी, और बात आई कि बोरिस जॉनसन के साथ कैसी इनकी ट्यूनिंग रहेगी। देखिए, ऋषि सुनक ऐसे व्यक्तित्व के इंसान हैं, इनकी कुंडली ऐसी है कि यह किसी के साथ भी रह सकते हैं, लेकिन इनके साथ कोई नहीं रह सकता है जी। उसका कारण है कि यह सत्य मार्ग पर चलने वाले हैं, यह इमोशनल हैं, यह लोगों के भाव को समझते हैं, लोगों की फीलिंग्स को समझते हैं, तो कभी भी इनसे जाने अनजाने गलती हो सकती है, लेकिन जानबूझकर कभी ये किसी को प्रताड़ना देना नहीं चाहेंगे। जैसा कि आपने कहा कि कोविड के समय वो पार्टी कर रहे थे, यही अंतर आता है बोरिस जॉनसन और ऋषि सुनक की कुंडली में कि ऋषि सुनक वो इंसान हैं जो हर इमोशंस के साथ अपने आप को सीधा जोड़ते हैं, और यही अंतर उनको आज उस कंपटीशन में ला के रख दिया है कि वहाँ एक भारतीय, वहाँ एक हिंदुस्तानी, वहाँ एक ऐसा ब्राह्मण, ऐसा राजनेता जो कि हम भारतीयों का नाम रोशन करेगा, वह दावेदारी में आ चुका है। कविता जी, अब मैं आपसे बस जाते जाते ये सवाल जानना चाहूँगी कि अगर 2024 में इलेक्शंस में वो पीएम पद के जो कि दावेदार अभी से बताए जा रहे हैं, और अगर वो बनते हैं तो खासतौर पर भारत और ब्रिटेन के रिश्ते में मतलब कितनी नज़दीकी आएंगी, रिश्ते कैसे रहेंगे, ये जानना चाहूँगी। फ्यूचर क्या कहता है इंडो और ब्रिटेन के रिलेशंस? देखिए कविता जी, अगर ऋषि सुनक के कुंडली के अध्ययन किया जाए तो वहाँ निकल कर आता है कि ऋषि सुनक अपनी मातृभूमि, अपनी धरा, अपने हिंदुस्तान की धरा से काफ़ी स्नेह करते हैं जी। और उनका इमोशनल लगाव भी यहाँ से है। तो अगर 2024 में इलेक्शन के बाद यह प्रधानमंत्री बनते हैं तो जाहिर सी बात है ब्रिटेन और भारत के रिश्ते और करीब होंगे। हालांकि अब भी बेहतर हैं, लेकिन और भी ज़्यादा करीबियां दोनों राष्ट्रों के बीच आएंगी। और जाहिर सी बात है सबसे अच्छी बात होगी कविता जी कि ऋषि सुनक एक अध्ययनरत, एक अभी भी विद्यार्थी के रूप में वो अपने आप को समझते हैं, वह अपने आप को स्टूडेंट की तरह देखते हैं। तो भारतीय जो स्टूडेंट हैं, जो भारतीय विद्यार्थी हैं, ब्रिटेन में जाकर अध्ययन करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए राहें और आसान हो सकती हैं। और जो गरीब तबका है, जो अब तक वहाँ के नियम झमेलों से नहीं जा पाता है या डर जाता है, उसके लिए भी जाकर वहाँ पर अध्ययन करना, रिसर्च करना, इस तरीके की राहों को ऋषि सुनक आसान करेंगे और विद्या के लिए पथ ये आसान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कविता जी, चलिए, तो ये थे हमारे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे हमने जाना कि आखिरकार ऋषि सुनक की राजनीतिक कुंडली क्या कुछ कहती है। आपको क्या लगता है, क्या आप भी ऋषि सुनक को ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं या नहीं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और इसके साथ साथ आप हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।